कानपुर में जल भराव और गंदगी से परेशान लोगों ने शुक्रवार को धरना प्रदर्शन किया। पिछले एक साल से गंदगी और जल भराव से क्षेत्र के लोग परेशान हैं, बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदार सुनने वाला नहीं है। परेशान महिलाओं ने बताया कि बरसात होने के कारण घरों में गंदा पानी घुस गया है, जिससे वह लोग परेशान हैं। शहर के शास्त्री नगर स्थित निंद्रा नेहरू मलिन बस्ती के लोग जल भराव और गंदगी से परेशान हैं। इसी कारण पुरुष और महिलाएं सड़क पर धरने पर बैठ गईं। इस मलिन बस्ती में तकरीबन 1900 घर मौजूद हैं। ऐसे में इलाके के लोगों ने बताया कि पिछले एक साल से घरों के किनारे बनी नालियां चौक हैं। बस्ती में नालियों से गंदे पानी के निकलने का कोई रास्ता नहीं है। गंदा पानी नालियों में जमा रहता है, जिसकी वजह से बच्चे और बुजुर्ग आए दिन बीमार होते रहते हैं। ऐसे में जब बारिश का मौसम होता है तो थोड़ी सी ही बरसात में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से गंदा पानी घरों में घुस जाता है। इस बस्ती की सैकड़ों महिलाएं भी इस धरने में शामिल हुई। बस्ती में रहने वाली शीला ने बताया कि गंदा पानी घरों में घुसने के कारण आए दिन लोग बीमार हो जाते हैं। जब बारिश होती है ऐसी स्थिति में पानी घरों में घुस जाता है और दिन भर घर से पानी निकालने में बीत जाता है। गंदगी और जल भराव की शिकायत की गई, लेकिन कोई भी अधिकारी और जिम्मेदार सुनने वाला नहीं है। बस्ती में रहने वाले अन्य लोगों ने बताया कि बरसात का मौसम है, ऐसे में बारिश होने की वजह से नालियों में पानी जमा हो जाता है। सफाई ना होने के कारण नालियां बजबजाती रहती हैं। शास्त्री नगर की मलिन बस्ती में सुबह 10 बजे से महिलाएं और पुरुष गंदगी और जल भराव के विरोध में धरने पर बैठ गए। शहर में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन धरने पर बैठे लोग समस्या के समाधान के लिए बारिश में भी धरने से उठे नहीं। धरने पर बैठे लोगों का कहना कि इसी बारिश में समस्या ज्यादा बड़ी बन जाती है, इसलिए इस बारिश से कोई डर नहीं है, उन्हें इस जल भराव और गंदगी का समाधान चाहिए।